एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंट्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूज़फुल हैक और टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ हम किस तरह से स्विच बोर्ड को साफ करें। किचन के स्विच बोर्ड खास करके बहुत ही गंदे हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाता है और देखने में बहुत ही गंदा लगता है। उसे हम किस तरह से इजीली साफ कर सकते हैं मिनटों में। दिवाली आने के पहले हर कोने की साफ़ सफाई की जाती है, तो स्विच बोर्ड की भी साफ़ सफाई होगी। और स्विच बोर्ड को हम साफ़ करेंगे घर में मौजूद दो चीज़ों से और दो तरीक़ों से। किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं। ये दोनों सामान हमारे घर में मौजूद रहता है, कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट सभी के घर में होता है। और है फोम, शेविंग फोम, ये भी ऑलमोस्ट सभी के यहाँ रहता है। अगर शेविंग फोम नहीं है तो आप टूथपेस्ट से स्विच बोर्ड को साफ कर सकते हैं बहुत ही इजीली। पहले प्रिकॉशन के लिए पहले आप मेन स्विच को ऑफ कर दें और पैर में चप्पल पहन ले, उसके बाद ये फोम का पहले मैं दिखाती हूँ। फोम लगा ले पूरे स्विच बोर्ड पे और इसे अच्छे से लगाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दे। और नेक्स्ट हैक है कि आप टूथपेस्ट से इस स्विच बोर्ड को साफ कर सकते हैं। उसी तरह टूथपेस्ट को भी अच्छे से अप्लाई कर दे स्विच बोर्ड पे। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे भी 10 मिनट्स के लिए इस ऐसे ही छोड़ दे। ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से अप्लाई कर दे चारों तरफ। आप कोई भी ब्रांड के टूथपेस्ट ले सकते हैं। टेन मिनट्स के बाद इसे ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से रगड़े और थोड़ा सा रगड़ने के बाद ही आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर वे में क्लीन हो गया। इसकी मैल बहुत ही आराम से निकल रहा है और बहुत ही इजीली ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है, टोटल क्लीन हो जाता है। किसी भी ड्राई कपड़े से इसे वाइप कर ले और ड्राई क्लोथ से ही वाइप कीजिएगा, वेट क्लोथ से नहीं, नहीं तो करंट लगने का डर रहेगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसा हो गया है, एकदम नए स्विच आप लगाए हैं। इस तरह से ये बिल्कुल टोटल क्लीन हो जाता है। उसी तरह इस स्विच बोर्ड को भी हम ब्रश से इस तरह से रगड़ते हैं, ब्रश करते हैं तो अच्छे से मैल निकल जाता है। और इसे भी आफ्टर 10 मिनट्स ही करें और इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा, अंदर से सारे मैल निकल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बहुत इजी है स्विच बोर्ड को क्लीन करना। आपको अगर ये हैक, ये टिप्स अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे भी ड्राई क्लोथ से अच्छे से वाइप कर ले, वेट क्लोथ बिल्कुल ना इस्तेमाल करे, उससे करंट लगने का डर रहेगा। और ड्राई क्लोथ से अच्छे से इसे वाइप कर ले, पोंछ ले, साफ़ कर ले और आपका बिल्कुल नए स्विच जैसा ये दिखेगा। उसी तरह से मैं ये वाले स्विच बोर्ड को भी क्लीन करती हूँ और दोनों स्विच बोर्ड मेरा अच्छे से क्लीन हो जाता है किचन का। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी 100 और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूज़फुल हैक है, आप लोग ज़रूर इसे अडॉप्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मिलते हैं ऑन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। Till then, bye bye, stay safe, stay strong, stay healthy and stay connected with me.